हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी ऐसे वाला ग्राइंडर अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तो ये वीडियो आपके लिए। पहले यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सबसे पहले चेक कर लेंगे मोटर कितनी आवाज़ कर रही है। मोटर की कोई आवाज़ नहीं है और ना कोई वाइब्रेशन। इसकी आवाज़ आई थी यहाँ से, यहाँ जो साफ होती है उसकी आवाज़ थी। यहाँ लगी होती है ये वाली शाफ्ट, एसी वाली। इसमें आप देख रहे होंगे बैंड आ रहे हैं, इसमें बैंड है हल्का सा, ये यहाँ पे इसमें बैंड है, इसलिए ये आवाज आती थी। अब लगाएंगे अपन ये वाली शाफ्ट, ये पुरानी वाली, ये नई वाली, सेम बन गई दोनों। इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है और इसमें होल भी नहीं, इसलिए ये मजबूत हो जाएगी थोड़ी। नई शाफ्ट लग गई है, एकदम तैयार, एकदम सीधी चल रही है, कोई आवाज़ नहीं। अब इसमें जल्दी से बेल्ट चढ़ा के देखते हैं कितनी आवाज़ आती है। ये चढ़ गई इसकी बेल्ट, अब एक बार इसको चला के देखते हैं कितनी आवाज आती है। हाँ, विशेष कोई आवाज है नहीं इसकी, फिलहाल तो एकदम बढ़िया चल रहा है, ना कोई वाइब्रेशन है ना कोई आवाज है, एकदम रेडी टाइट है। तो अब अपना ग्राइंडर पूरी तरह से फिटिंग हो चुका है। सबसे बड़ा वाला व्हील लगा हुआ है इसमें 14 इंच का। अब इसको चला के देखते हैं। कोई वाइब्रेशन नहीं है, व्हील एकदम देखो सीधा चल रहा है। ये यहाँ हमने ग्रिप का बना दी, इसमें ये ग्रिप बनाई है पाना लगाने के लिए। 17 नंबर का पाना लग जाएगा इसमें ग्राइंडर के व्हील को खोलने और बंद करने के लिए। दूसरा पाना आगे नट में लग ही जाएगा, दोनों साइड पाना लगा के व्हील को खोला जा सकता है। ये भी टाइट करा हूँ, ये फुल टाइट है, जितना टाइट करना उतना टाइट कर लो, शाफ्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उस साइड अड़ा के इधर पाना लगाओ और ये व्हील खुल जाएगा। ये व्हील खुल गया, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।